कोसी खुर्द प्रकल्प का कार्य 2022 तक पूरा करके इस प्रकल्प से भंडारा जिले को अधिक प्रमाण में पानी मिलना चाहिए, यह बात विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने व्यक्त की। पौनी के शिव छत्रपति क्रीडा मंडल पौनी द्वारा आयोजित कबड्डी स्पर्धा के शुभारंभ पर उपस्थित होने पर कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर प्रेम सागर गणवीर, विकास राउत, हंसा खोबरागड़े, सोमेश्वर पंचभाई, बंडू ढेंगरे, शंकर राव तेलमासरे, प्रकाश पचारे, मनोहर राव उर्कुटकर, अशफाक पटेल, किशोर पंचभाई, डॉक्टर सुनीता गबने, तारा चंद्र तुलस्कर, मुकेश बावनकर ने उनका स्वागत किया। किसानों को वन्य जीव परियोजना से सटी कृषि भूमि पर पर्यटकों के लिए विश्राम स्थल बनाने की अनुमति देना, नाग नदी का दूषित पानी वैनगंगा में छोड़े जाने से स्वास्थ्य की समस्या निर्माण होकर वैनगंगा शुद्धिकरण के लिए आंके गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने पत्र परिषद में बताया कि भंडारा शहर से बाईपास की सुविधा की जाएगी, पीड़ित गांव के मकानों का मुआवजा जल्द से जल्द मिलेगा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे।